हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैबुलस प्रीथा। आज के हमारे वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि घर पर जेलेटिन पाउडर कैसे बनाया जाता है, वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से, और उस जेलेटिन पाउडर से हम जेली कैसे बना सकते हैं, होममेड जेली। तो ये जेलेटिन पाउडर बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो है शक्कर 50 ग्राम, लेमन ग्रास 50 ग्राम। ये लेमन ग्रास जो है आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, आप अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। ये जेलेटिन पाउडर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 50 ग्राम शक्कर को और 50 ग्राम लेमन ग्रास को मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लेना है, यानी कि उसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो वो फाइन पाउडर जो है बनेगा हमारा जेलेटिन पाउडर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक मिक्सिंग जार में शुगर और लेमन ग्रास को डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना फाइन पाउडर बन चुका है, और ये जो पाउडर है ये है हमारा जेलेटिन पाउडर। इसका टेक्सचर जो है आपको बारीक शक्कर जैसे दिखेगा, शक्कर के पाउडर जो हम मिक्सी में निकालते हैं वैसा दिखेगा, और ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनता है दोस्तों। तो ये जेलेटिन पाउडर हमारा अब रेडी है, अब हम इसका यूज जेली बनाने के लिए करेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ml वाटर को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे, और इसमें हमने डाल दिया है 1 tablespoon जेलेटिन पाउडर, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको हमें अच्छे से उबाल आने तक इसको गैस पर रखना है। जैसे ही इसका अच्छा उबाल आएगा हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छा खासा उबलने लगा है, अब यहाँ पे हमें गैस फ्लेम को जो है ऑफ कर देना है। गैस फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमें इस जल को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है, और बाद में हम इसे निकाल देंगे एक कांच के बाउल में। अगर आपको जेली में डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया है जो कि मैं 2 से 3 बूंद इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इस जेल से हम बनाएंगे रेड कलर की होममेड जेली। आपके पास अगर कोई मोल्ड्स है, चॉकलेट के मोल्ड्स, आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपकेक का जो साचा रहता है उसे लिया है और उसमें ये जेल मैं ऐड कर रही हूँ। अब इस जेल को ऐड करने के बाद हमें इसे 10 टू 15 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रखना है। 10 टू 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे इस मोल्ड में से, इस सांचे में से इसको निकाल दिया है, और देखिए हमारा जेली तैयार है। और आप देख सकते हैं ये कितना ग्लासी लुक इसको आया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद।